तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। आप मुझे सिर्फ इसका शॉर्टकट बताना क्या लग सकता है। मैंने आपको करवा रखा है, मैं एक लंबे तरीके से करूंगा, आप छोटे तरीके से मुझे बताना, बस आपको ये करना है और आपने कर रखा है। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड, ना मात्र स्पीड है, बस समझो जीरो ही थी, छोड़ दिया। फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वेलोसिटी यहां पर जीरो थी, छोड़ दिया। तो इस पॉजिटिव प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, मैग्नेटिक फील्ड बीच में प्रेजेंट था, तो पार्टिकल ने सर्कल में घूमना शुरू कर दिया, या लेफ्ट या राइट जैसे भी जाएगा वो सर्कल में जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाएगा। अब क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में प्लेट्स में वी है, डिस्टेंस इनके बीच में डी है, तो अगर मैं वी को डी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, चलो इफ नीडेड, अगर चाहिए हो। अब वो क्या कह रहे हैं, शो दैट इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट अगर डी इससे बड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूमता है तो अगर ये बिल्कुल टच करता हुआ इधर आ जाता है सपोज करो, तो ये इसका सेंटर माना जाएगा, तो ये इसका रेडियस माना जाएगा। तो अगर आर किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो ये बिल्कुल प्लेट को टच करता हुआ ऐसे जाएगा, राइट। वो ये कह रहा है ये टच ही ना करे, इसको बिल्कुल भी टच ना करे, तो इसका मतलब डी को बड़ा होना पड़ेगा किससे, आर से। तो प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ा दो तो बिल्कुल अपर प्लेट को टच नहीं करेगा और बाहर नीचे से बाहर आ जाएगा, तो डी शुड बी ग्रेटर देन आर। तो ये कंडीशन तो क्लियर है, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, इस क्वेश्चन के अंदर हम यहां पर कहीं ना कहीं आर पुट करने वाले हैं, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाय बी क्यू, ऐसे ही है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, लंबा किया, मैंने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन अगर जस्ट टच करता है तो डी आर के इक्वल है, टच नहीं करना चाहते डी ग्रेटर देन आर है, आर की वैल्यू क्या है, एम वी बाय बी क्यू, वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है, तो वेलोसिटी मुझे नहीं पता लेकिन इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वी बाय डी है, एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम है, और मुझे ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी से चला है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे घूमते इसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू ए एस। ये करने की बजाय एक और शॉर्टकट है, काइनेमेटिक्स से आपने वेलोसिटी निकाल ली, इसकी जगह आप ऐसा भी कर सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, और ये क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डी डिस्टेंस में क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी आ गई, बस इस वेलोसिटी को उठा के यहां पर पुट कर दिया तो ये टर्म आ गई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या पुट कर दिया, वी बाई डी पुट कर दिया, तो ये टर्म आ गई, सब कुछ अंडर रूट के अंदर आ गया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो आंसर आ गया। बहुत लंबा तरीका है, मुझे एक लाइन में बताओ ये आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन सो शॉर्टकट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सारी बुक्स ऐसे करती है, मैंने भी ऐसे किया है। शॉर्टकट क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, ये ई नहीं है यहां पे, ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये क्या है, रेडियस। जो रेडियस होता है ना, मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला करवा रखा है रेडियस का, क्या अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या, टू एम क्यू वी अपॉन बी क्यू, ये करवाया है, कुछ भी नहीं करना यार, इस बी क्यू को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और क्यू की जगह ई पुट कर लेना, आंसर क्लोज, करना ही नहीं, ऑलरेडी करके आ चुके हैं, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। रेडियस, रेडियस का ना वी वाला फॉर्मूला पुट कर दो, बात ही खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें, डन, ठीक। तो वो सॉल्यूशन को रेफर नहीं करना, ये ठीक है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये हमने कर लिया था, तो अगर एक वायर है और इसमें करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपैंड हो गई, तो बोले इसमें टेंशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, T इज इक्वल टू बी आई आर, आर फॉर रेडियस करवाया था, ये हमने कर लिया था, ये नहीं किया। इस क्वेश्चन को देखें, सोचें अगर करंट यहाँ आ रहा है तो ये ट्राइंगल की वायर्स में जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, आपको इसके सेंट्रॉइड पे, सेंटर पे बी बताना है क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड बी बताना है क्या होगा। पहले इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहां पे मान लो आई करंट आया, जो आई करंट आया बराबर बराबर करंट यहां से निकलेगा, तो यहां पर कितना जाएगा? आई बाय टू, और यहां पर भी क्या जाएगा? आई बाय टू। फिर यहां पे कितना आएगा? आई बाय टू। यहां पे कितना आएगा? आई बाय टू। यहां आया हो जाएगा। मुझे यहां पर बी निकालना है, तो इस वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर जीरो, इस वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर जीरो। जो कॉन्ट्रीब्यूशन इसका होगा यहां पे, वही कॉन्ट्रीब्यूशन इसका होगा यहां पर, सिमिट्री है। तो इसकी वजह से बी कैसे होगा? इनसाइड। इसकी वजह से बी कैसे होगा? आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड का अफेक्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा? कैंसल। अब इसकी वजह से करंट कैसे होगा? आउटसाइड। बी कैसे होगा? आउटसाइड। इसकी वजह से बी कैसे होगा? इनसाइड। तो इसका अफेक्ट भी क्या हो गया? कैंसल। नेट बी क्या आएगा? जीरो। मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर जीरो आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर जीरो। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। दो पार्टिकल्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड बी में है, चार्जेस ऑपोजिट साइन के हैं, एक q है एक माइनस q है। एट t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी v। तो हमने इसको ऐसे फेंका विद वेलोसिटी ऑफ v, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इनके बीच में दूरी d थी। तो ये पार्टिकल मैं मान लो कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव कैसे घूमेगा? नेगेटिव कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो बेसिकली ऐसे घूमेंगे सर्कल में, सर्कल में ऐसे घूमेंगे। अब क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी वीएम, वीएम का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, सो दैट पार्टिकल डू नॉट कोलाइड। देखो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, आप चाहते हो कि टक्कर ना हो, इनको ना हल्की सी वेलोसिटी से फेंकते हैं, 0.1 बस, कोलाइड नहीं करेंगे। मैंने कहा थोड़ा यार थोड़ा तेज फेंको, आपने कहा और तेज फेंक देते हैं, ऐसे थोड़ा मैं और तेज फेंको। अब आप इतनी वेलोसिटी से फेंको मैक्सिमम कि बस आए, बस टच भी ना हो और बिल्कुल टच ना करते हुए चले जाएं। और अगर आपने इस मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी की तो ओवरलैपिंग हो सकती है और इनकी कोलिजन हो सकती है। तो यानी कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, सिचुएशन क्या होनी चाहिए? एकदम ना, बिल्कुल ना मात्र डिस्टेंस से ऐसे जाएं। तो आपका डायग्राम क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है, आप क्या चाहते हैं? तो दोनों सेंटर्स में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डी, क्योंकि डी इनके बीच में एक्चुअल में प्रोजेक्शन का डिस्टेंस है। मैं चाहता हूं ये ऐसे जाए, ये ऐसे जाए, तो जहां से पार्टिकल चलता है वही उसका सेंटर होता है। तो दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। अब मुझे पता है कि इस केस में सेंटर के बीच में डिस्टेंस अगर डी है, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, तो 2r क्या है? डी। और रेडियस होता क्या है? एम वी बाई वी क्यू। तो क्योंकि हमने डी को 2r पुट किया, तो v क्या होगा? v मैक्स। यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई? v मैक्स, एक आंसर आ गया। तो ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा पार्टिकल्स का, ये देखते हैं। तो कब? जब वेलोसिटी की होगी, वेलोसिटी क्या होगी? vm बाय 2, राइट। तो वेलोसिटी जब vm बाय 2 है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी
तो देखो, तो इसके अंदर, तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी से जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो हाफ है। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से वेलोसिटी हाफ है तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या हुआ था, ये हुआ था, मैक्सिमम वेलोसिटी पे ये हुआ था, हाफ पे क्या होगा, यहीं से दूर से चले जाएंगे, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो डिस्टेंस सेंटर के बीच में डी है, मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में कब होगा, जब दोनों पार्टिकल यहां पे होंगे, तो ये क्या होगा, डी माइनस आर माइनस आर, यानी कि डी माइनस टू आर। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच में पार्टिकल यहां पे होंगे, यानी कि डी प्लस टू आर। सेंटर बाय सेंटर का डिस्टेंस कितना है, डी। सेंटर बाय सेंटर का डिस्टेंस अगर डी है तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, डी प्लस टू आर। अब आपको पता है, सर एक बार डी माइनस टू आर वाला बता दो। ये देखो, मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब पार्टिकल यहां पे होगा, ये डिस्टेंस आपको डी गिवन है, डी में से आर में से आर माइनस, तो डी माइनस टू आर। तो आर की वैल्यू क्या होती है, एम वी बाई बी क्यू, पर उसमें वेलोसिटी क्या पुट करने को कहा, वी एम बाई टू, मैक्सिमम वेलोसिटी बाई टू। मैक्सिमम वेलोसिटी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखी है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा डी बाई फोर। तो मिनिमम डिस्टेंस में क्या आएगा, डी माइनस आर की जगह डी बाई फोर, और मैक्सिमम में डी बाई फोर आंसर, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, एट वॉट इंस्टेंट विल कोलिजन अकर, अगर वेलोसिटी टू टाइम मैक्सिमम है। देखो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम पे ये होता था, अगर वेलोसिटी ज्यादा कर दोगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनकी टक्कर हो जाएगी। तो एंगल बताओ इनकी टक्कर कहाँ हुई, मान लो थीटा वो एंगल है जिनके वर्टिकल के साथ जो टक्कर हो गई, तो टक्कर यहाँ पे कहीं होती है, तो ऑब्वियसली दो सेंटर के बीच में अभी भी डिस्टेंस कितना है, डी है। ये अगर आर है तो ये आर साइन थीटा है, ये अगर आर है तो ये आर साइन थीटा है, तो डी यहाँ पर किसके इक्वल है, टू आर साइन थीटा। जब इनकी कोलिजन हो जाती है एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, टू आर साइन थीटा। आर क्या होता है, एम वी बाई बी क्यू, और वेलोसिटी क्या है इसमें, टू इंटू वी एम, टू इंटू वी एम। वी एम की वैल्यू क्या है, फर्स्ट पार्ट में निकाल ली, सॉल्व करो आंसर, सॉल्व करके साइन थीटा हाफ आएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचने आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल टेस्ट 1.5 घंटे का है, एक एक टॉपिक को टच किया गया है, फिर से assertion, reasoning, objectives हैं कम से कम, नहीं तो 25 subjective है, subjective में दो derivations हैं, दो कम से कम तो है ही हैं, force per unit length वाली I1 I2 by R और F is equal to BIL की थी, BIL, F is equal to BIL, force on charge particle, force on current carrying wire, सबके ऊपर numericals भी हैं और conceptual भी है, Fleming के left hand rule पूरे test होंगे, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, पूरा एक 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 टॉपिक, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का पूरा एकदम सही टच हो जाएगा अगर आप इस टेस्ट को करेंगे। हम लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले धीरे, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर अगली बार जो टेस्ट होगा सबका फिर कंपटीशन लेवल हो जाएगा, कि बेसिक हमारा क्लियर हो गया 3 हफ्ते में, 4th हफ्ते में फिर इंक्रीज ऑफ लेवल हो जाएगा। इतनी देर आपको मेंस और नीट के पेपर आज दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, आप एक हफ्ता वो सॉल्व करेंगे, आपकी और लेवल को इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा लंबा टेस्ट हो सकता है, 1 घंटे में भी हो जाए, छोटे टेस्ट है, पर मैंने जान के 1 घंटा 30 मिनट रखा है ताकि आपको प्रेशर फील ना हो, आप आराम से करें, नॉलेज टेस्ट करनी है, स्पीड टेस्ट नहीं करनी।
क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस इस एबीसी की स्मॉल आर है और रेजिस्टेंस नीचे वाली वायर की 2R है, राइट right? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर वाली वायर की कितनी है, स्मॉल आर है, नीचे वाली वायर की 2R है। मुझे एक बात बताओ, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई है, उसमें क्या सिखाया जाता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती हैं? तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास आई करंट आया और ये वायर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है ये कितनी है R और ये कितनी है 2R, तो इसमें जो करंट गया वो कितना गया I1 और इसमें करंट क्या गया I2, तो इसमें I1 into R is equal to I2 into 2R, ये कैंसल, तो I1 by I2 की रेशियो क्या आएगी 2:1। तो अगर I करंट को डिवाइड करना है तो ऐसे किया था ये पहला करंट है और ऐसे किया था ये दूसरा करंट है, तो यहां से I1 I2 कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि I करंट आया तो ये I/3 और ये 2 I/3 कैसे हुआ, आपको क्या करना है, इसके सेंटर पे B निकालना है। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट वायर लेते हैं, ये वायर ले लेते हैं 2I/3, ये स्क्वायर है जिसकी साइड A है, तो अगर ये डिस्टेंस A है तो ये आधा डिस्टेंस क्या होगा A/2, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो बाय सर्वेट लॉ से म्यू नॉट बाय 4π 2I/3 मतलब म्यू नॉट बाय 4π, करंट कितना है 2I/3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है A/2, साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45 ऐसे, ठीक है। यही चीज इसके साथ होगी, सेम आंसर इसी का होगा। अब क्योंकि इसमें करंट यहां जा रहा है तो B आउटसाइड है, इसमें करंट यहां जा रहा है तो आउटसाइड है, तो यानी कि नेट B की वैल्यू दोनों वायर्स की क्या हो जाएंगी, डबल। सेम सिचुएशन इसके साथ बनाना, 45 45, करंट I/3 डिवाइडेड बाय A/2, तो यहां से B आएगा, यहां से B आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, एक भी इसकी वजह से निकलेगा, एक भी इसकी वजह से निकलेगा, तो इसकी वजह से ऊपर वाली वायर का बी कैसे होगा, इनसाइड, नीचे वाली वायर का कैसे होगा, आउटसाइड, तो ऊपर से निकला हुआ बी नीचे से निकला हुआ बी आपस में माइनस होंगे, बड़े में से छोटा आंसर, यानी किया नहीं सॉल्व, माइनस करके आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है आंसर में, चलो जो भी है, तो ये आंसर है इसका, आपने ऐसे सोचना है मतलब कि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करंट आई इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो वो कह रहा है जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है और किसी ने करंट एकदम क्लॉकवाइज कर दिया, तो बताओ इसमें टेंशन का चेंज क्या हुआ होगा. स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, तो इसका जो वेट है वायर का वो एम जी है. इस वायर में अगर करंट यहाँ जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी इधर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर है, तो फोर्स बी आई एल ऊपर लगेगी. और टेंशन मान लो यहाँ पर कितनी आ गई, टी वन, और ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स. तो यहाँ से टी वन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी माइनस बी आई एल, टी वन आ गया. फिर जैसे ही किसी ने करंट को चेंज किया तो बी आई एल ऊपर की बजाय कहाँ लगेगा, नीचे, और टेंशन टी वन की जगह टी टू, तो टी टू इज इक्वल टू बी आई एल प्लस एम जी. तो यहां से क्या आ गया, टी वन, और यहां से टी टू, टी वन आ गया, टी टू आ गया, चेंज इन टेंशन निकालनी है, माइनस कर लो, आंसर आ गया, आंसर टू इंटू बी आई. नेक्स्ट, वायर पी क्यू, एक वायर है पी क्यू, मास 10 ग्राम, लाइज एट रेस्ट ऑन टू हॉरिजॉन्टल मेटल रेल. हॉरिजॉन्टल कैसी होती हैं, ये होती है, तो रेल ऐसे है, रेल ऐसे है, इसके ऊपर रॉड है. तो ये फोटो टॉप से खींच के यहाँ बना रखी है, तो रॉड ऐसे नहीं है, रॉड हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है. तो ये केस है, बैटरी गिवन है, बी आपको गिवन है 0.800 टेस्ला है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम करने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा. तो इसके अंदर करंट जाएगा कैसे, करंट जाएगा पॉजिटिव से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये करंट आएगा. एंड इट इज फाउंड दैट व्हेन रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम, तो रेजिस्टेंस जब 20 ओम से कम हो जाती है तो करंट बढ़ जाएगा. तो वायर ने चलना शुरू कर दिया, स्लाइड कर रही है वायर, म्यू निकालो. एक बात बताओ यार, वायर स्लाइड क्यों कर रही है, कहां करेगी स्लाइड, करंट कहां पर है, नीचे, बी कहां पर है, बोर्ड के अंदर, फ्लेमिंग का रूल, बी करंट फोर्स राइट, तो यहां फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, बी आई एल. जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम करंट बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी, वायर राइट साइड पे जाएगी. ठीक है, वायर राइट साइड पे जा रही है, आपको म्यू निकालना है. अब वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस को कर कितना दिया, रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम, तो चलो कम से कम 20 तो हुई हुई, तो अगर जब इसमें रेजिस्टेंस 20 हुई तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, स्लाइडिंग कम से कम लिमिटिंग केस से यानी कि 20 पे स्टार्ट हो गई, तो करंट फिर क्या बनेगा, 6/20. हाँ, थोड़ी देर के बाद नो डाउट आप रेजिस्टेंस को और बढ़ा कम कर देंगे तो करंट और बढ़ जाएगा, पर कम से कम 20 के केस पे करंट ये होगा. फोर्स क्या होगा, बी आई एल. अब होगा क्या, उसने कहा कि स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, जैसे हम प्लस वन में करते थे, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, स्लाइडिंग स्टार्ट हुई, एक्सेलरेशन स्टार्ट नहीं हुई, इतनी तेज फोर्स नहीं है, जस्ट स्टार्ट्स का मतलब उसने फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया. जैसे फ्रिक्शन को ओवरकम किया यानी कि आपकी अप्लाइड फोर्स ने फ्रिक्शन को ओवरकम किया, बी आई एल ने किसको ओवरकम किया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, न्यू टाइम्स एम जी, तो देर इज नो एक्सेलरेशन, यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से सॉल्व करके आप करंट को यहाँ पुट करके क्या निकालेंगे, म्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, कोई डाउट है सर, ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वायर देख रहे हो, टेढ़ी मेढ़ी वायर है। टेढ़ी मेढ़ी वायर में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वायर कैसी है, वेव फॉर्म की फॉर्म में है, ऐसी वेव की तरह। डराने के लिए है, डराने के लिए, काम किसी की काम का नहीं है ये। हमें ना दे इक्वेशन, हमें बस ये बता दे कि ये वेव है और इसकी लेंथ क्या है, लैम्डा। वेव की लेंथ लैम्डा होती है। तो ये पूछ रहा है कि अगर लेंथ आपने लैम्डा लिया, जीरो से लैम्डा, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जेड एक्सिस में, तो फोर्स क्या लगेगी। हमें क्या लेना यार, वेव की इक्वेशन है कि नहीं, हमें पता है कि यहां से यहां आने में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, लैम्डा। लेंथ क्या है, लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बी आई एल, एल की जगह लैम्डा आंसर। कोई कोई काम नहीं बाकी का। बी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन होगा, हाँ ये रहा, लेंथ लैम्डा है, करंट आया है, चाहिए कुछ नहीं। और मैंने क्या करना, वेव की इक्वेशन कैसी बनती है,